अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी रिलीज हो चुकी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा रही, लेकिन इन सब के बीच अक्षय कुमार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। जी हाँ, अक्षय कुमार के नाम सबसे ज्यादा सेल्फी लेने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। दरअसल फिल्म सेल्फी की प्रमोशन के दौरान अभिनेता ने महज 3 मिनट में 184 सेल्फी लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बात की जानकारी एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कर दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने फैंस को आभार भी जताया है। बता दें कि अक्षय से पहले बॉलीवुड के कई अन्य सितारे भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। अमिताभ बच्चन को 19 सिंगर्स के साथ श्री हनुमान चालीसा गाने के लिए ये अवार्ड मिला था। 19 अन्य सिंगर के साथ हनुमान चालीसा गाने वाले वो बॉलीवुड के पहले एक्टर थे, इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। शाहरुख खान भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने साल 2013 में बतौर बॉलीवुड एक्टर सबसे ज्यादा कमाई की थी। उनकी अनुमानित कमाई 220.5 करोड़ रुपए थी, जिसकी बदौलत उनका नाम बतौर एक्टर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वो भी शाहरुख खान की तरह साल 2013 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। साल 2013 की उनकी अनुमानित कमाई 63.75 करोड़ रुपए थी, इसी वजह से उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि उनके बेटे एक्टर अभिषेक बच्चन ने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। साल 2009 में रिलीज हुई उनकी फिल्म दिल्ली 6 के प्रमोशन के लिए उन्होंने महज 12 घंटे में 1800 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उन्होंने अलग अलग शहर में फिल्म का प्रमोशन महज 12 घंटे में ही पूरा कर लिया था, इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। 1987 में रामानंद सागर की रामायण आज भी लोगों के दिलों में बसी है। फिल्म के एक एक कैरेक्टर लोगों को आज भी याद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस रामायण में मंथरा का किरदार निभाने वाली ललिता पवार के नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने 70 साल तक एक्टिंग की। सबसे लंबे एक्टिंग करियर के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। आवाज़ तो याद रहेगी, क्योंकि आज जो आवाज़ हमेशा के लिए मौन हो गई है वो भारत की आवाज़ थी। वो आवाज़ जिसने अपने गानों से दुनिया को रुलाया, प्यार करना सिखाया और इंसानी भावनाओं की हर पहलू को छुआ। भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर वैसे तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने हमारे जहन में हमेशा ही रहेंगे। बता दें कि उनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उनके नाम सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए गानों को गाने का रिकॉर्ड दर्ज है। बॉलीवुड की लेजेंडरी सिंगर में से एक आशा भोसले के नाम भी एक अनोखा रिकॉर्ड है। साल 2011 में आशा ने सबसे ज़्यादा सिंगल स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने का रिकॉर्ड बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 11,000 गाने गाए। इसमें लगभग 20 भाषाओं के सोलो, ड्यूट, कोरस बैक गाने शामिल थे। सिंगर कुमार सानू 90s के समय से ही हम सभी का दिल लुभा रहे हैं। सानू ने एक से बढ़कर एक रोमांटिक और सुरीले गाने सिनेमा लवर्स को दिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुमार सानू ने भी जगह बनाई हुई है। उनके नाम एक दिन में 28 गाने गाने का रिकॉर्ड दर्ज है। इस लिस्ट में बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा का भी नाम है। बता दें कि उन्होंने 2016 में एक इवेंट में हिस्सा लिया था। यहाँ उन्हें मिलाकर 1328 महिलाएं थी। सभी ने एक ही समय पर सबसे ज्यादा नाखून पेंट करने का रिकॉर्ड बनाया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए देशित न्यूज़।